आज की स्टोरी का नाम है द फॉल्स फ्रेंड्स, यानी कि झूठे दोस्त। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस, अ डेयर एंड अ क्रो। एक हिरन और एक कौवा वर थे ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे दोस्त। वन डे, एक दिन, द क्रो सो, कौवे ने देखा द डेयर हिरन को विद अ जैकाल, एक सियार के साथ। सियार एक जानवर होता है, जैकाल एज यू कैन सी इन द इमेज, और इसको डेयर पढ़ा जाता है, डेयर इसका मतलब हिरन। तो एक दिन कौवे ने हिरन को सियार के साथ देखा। यहाँ पे हमारे रूल कौन से लगे हैं, ये जो फ्रेंड्स है ये नाउन है, और ग्रेट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और डेयर एंड अ क्रो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो दो लोग हैं इसीलिए वर का यूज, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। इसके बाद द क्रो सब्जेक्ट है, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस आगे है। जैकाल्स वर नोन, जैकाल्स को यानी कि सियारों को जाना जाता था। नोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैकाल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है पैसिव वॉइस का, तो हम वर का यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा जैकाल है। तो जैकाल्स जो सियार थे उनको जाना जाता था किस रूप में, टू बी कनिंग एनिमल्स, यानी के चालाक जानवरों के रूप में। कनिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और एनिमल्स यहाँ पे नाउन है, तो कनिंग इज चालाक। अब यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो फॉल्स फ्रेंड्स झूठे दोस्त, जैकाल इज सियार, क्रो कौवा, अ डेयर इज हिरन। जब भी हम किसी भी चीज की पहली बार बात करते हैं तो अ का यूज करते हैं, अ डेयर, अ क्रो, अ जैकाल। अब इन्हीं की बात दोबारा से होगी तो द का यूज। तो आगे लिखा है कि जैकाल्स को जाना जाता था किस रूप में, कि वो क्या होते हैं, चालाक जानवर होते हैं। सो इसीलिए ही वॉर्न्ड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड, तो इसीलिए उसने यानी कि कौवे ने वॉर्न किया, चेतावनी दी हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, किसको, हिरन को, दैट की द जैकाल कुड नॉट बी ट्रस्टेड, कि जैकाल पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ही सब्जेक्ट है, वॉर्न यहाँ पे सेकंड फॉर्म, दैट सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, इसके बाद का जो सेंटेंस है कैन नॉट बी ट्रस्टेड का हो जाएगा कुड नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि ये पास्ट में है, और यहाँ कुड बी ये पैसिव वॉइस है, तो जैकाल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। द डियर इग्नोर्ड, हिरन ने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया किसको, द क्रोज वार्निंग, कौवे की चेतावनी को, ये अपोस्ट्रोफ एस का यूज, वार्निंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, कौवे की चेतावनी, इग्नोर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो हिरन ने इग्नोर कर दिया कौवे की इस चेतावनी को, एंड और वेंट, चला गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, चला गया विद द जैकाल, जैकाल के साथ कहाँ पे चला गया, टू अ फील्ड, एक खेत में, फील्ड कहा जाता है खेत को, कौन सा खेत, वेयर, जहां पर क्या हुआ, ही गॉट ट्रैप्ड, वो फंस गया। गेट ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, यहाँ पे ट्रैप्ड ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे गॉट कंफ्यूज्ड, भ्रमित हो जाना, गॉट एंग्री, गुस्सा हो जाना, गॉट लेट, देर हो जाना, इसी तरह से गॉट ट्रैप्ड, फंस जाना, तो वो वहां पे फंस गया। द जैकाल स्नीर्ड, स्नीर का मतलब होता है उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो जैकाल ने मजाक उड़ाया और बोला, क्या बोला मजाक उड़ाते हुए, आई एम गोइंग टू कॉल, मैं जा रहा हूँ कॉल यानी कि बुलाने द फार्मर, किसान को, तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ, ही विल किल यू, वो तुम्हें मार देगा, एंड
आई विल गेट और मुझे मिलेगा अ शेयर हिस्सा ऑफ योर मीट, तुम्हारे मीट का। तो ये सारे वर्ड किसने कहे? जेकाल ने। यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, गॉट ट्रैप्ड इज फंस जाना, उसके बाद वार्निंग इज चेतावनी, या कुड नॉट बी ट्रस्टेड, ट्रस्ट इज विश्वास करना, इग्नोर इज नज़रअंदाज करना, वार्न मतलब चेतावनी देना, नो मतलब जानना, यहाँ पर नोन है यानी कि जाना जाता है, पैसिव वॉइस, ग्रेट फ्रेंड्स इज अच्छे दोस्त। इसके बाद स्नियर का मतलब होता है उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते हुए कुछ बोलना। तो इसके बाद अब क्या होता है, द डेयर क्राइड, अब वो तो फंस गया वहां पर हिरन, तो द डेयर क्राइड फॉर हेल्प, उस हिरन ने मदद के लिए पुकारा। तो क्राई का मतलब एक रोना होता है और दूसरा चीखना, तो द डेयर क्राइड फॉर हेल्प, उसने चीख मारते हुए मदद मांगी। द क्रो हर्ड, कौवे ने सुन लिया, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, हिज फ्रेंड्स क्राइज, अपने दोस्त की चीखों को, क्राइज इज चीखे, यहाँ पे क्राइज नाउन का काम कर रही है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है क्राई। तो क्रो ने सुन लिया अपने दोस्त की चीखों को, एंड केम टू हेल्प हिम, और वो उसकी मदद के लिए आ गया। ही आस्क्ड द डेयर, तो उसने डेयर से पूछा, उसको कहा टू प्रिटेंड, नाटक करने के लिए, आस्क का मतलब पूछना, लेकिन किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो आस्क फिर बीच में पर्सन फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब कुछ कहना। तो उसने, कौवे ने हिरन को कहा टू प्रिटेंड कि वो नाटक करे, प्रिटेंड का मतलब नाटक करना, क्या नाटक करे, टू बी डेड या फिर दैट ही वॉज डेड, कि वो मरा हुआ है, तो मरे हुए होने का नाटक करे। एज सून एज, जैसे ही द फार्मर हर्ड, जैसे ही फार्मर ने सुना द जेकाल्स हाउल्स, जेकाल की आवाज को, हाउल क्या होता है, जैसे कुत्ता बार्क करता है, भौंकता है, उसी तरह से सियार हाउल करता है। तो किसान ने जैसे ही जेकाल के इस हाउल को, उसकी आवाज को सुना, ही केम, वह आ गया, देयर वहां पर, इन नो टाइम मतलब बिना समय वेस्ट किए तुरंत। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करें, एक एज सून एज का हमारा कॉन्सेप्ट, दूसरा आस्क समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए कहना, प्रिटेंड इज नाटक करना, क्राई इज चीखना रोना, और क्राइज मतलब चीखे। इसके बाद अब क्या हुआ, ही सो, उसने देखा अ डेयर, हिरन को, लाइंग, पड़े हुए, डेड, मरा हुआ। तो उसने मतलब फार्मर ने देखा किसान को, हिरन को मरे हुए पड़े हुए। तो ये हमारा सो वाला लेसन है, सो समवन आईएनजी फॉर्म, लाइंग इज लेटे हुए पड़े हुए, डेड इज मरा हुआ, इन हिज ट्रैप, उसके ट्रैप में यानी के जाल में, ही ओपनड द ट्रैप, उसने ट्रैप को ओपन किया, टू चेक करने के लिए, बट लेकिन द डियर रैन अवे, लेकिन डियर वहां से भाग गया। द एंग्री फार्मर, जो गुस्सा किसान था, हिट, उसने मारा द जैकाल, जैकाल को, एंड ड्रोव हिम अवे, और उसको वहां से भगा दिया। ड्राइव अवे मतलब होता है भगा देना, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, अब इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा, फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे दोस्त, आर वर्स, वो बेकार होते हैं, बुरे होते हैं, देन कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, डिक्लेयर्ड एनिमीज, मतलब वो दुश्मन जिनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पक्के दुश्मन है, तो उनसे बुरे होते हैं ऐसे झूठे दोस्त। तो वर्स जो है ये बैड का कंपेरेटिव डिग्री है, बैड वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद आपको मज़ा आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स, प्राइस है 799 विद मोर देन 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस। तो बाकी डिटेल आपके सामने है, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।